हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे थे, और अब मैथ्स में हम लोग क्या स्टार्ट कर चुके थे, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था? सर्वांशम आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में सीख लिया था बेटा, घनाभ के फलक क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, इसके बारे में भी सीखा। फिर घन के फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में सीखा गया था। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए आप, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। देखिए, मान लेते हैं अगर दो त्रिभुज इस प्रकार से बने हुए हैं बेटा, एक त्रिभुज इस प्रकार से, एक त्रिभुज इस प्रकार से, और अगर बोला जा रहा है कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ठीक है बेटा, अगर बोला जा रहा है कि दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो इन दोनों को ही क्षेत्रफल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, तो वो बराबर होते हैं, ठीक है? तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि दो आकृतियां अगर सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा घनाभ के बारे में। तो घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जो कि 3D फिगर होती है, ठीक है बेटा, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। देखो बेटा, इस प्रकार से एक आकृति बनाई मैंने जो कि क्या है, घनाभ है। तो घनाभ में ये फलक है, ठीक है बेटा, फलक है, किनारे हैं, शीर्ष हैं, कौन कौन सी चीजें हैं आपको जानना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं मैंने इस प्रकार से बना दिया, जो ग्रीन कलर से मैं पॉइंट्स बना रहा हूं ना बेटा, इनको बोलते हैं क्या, शीर्ष। इनको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं आप इन दो शीर्षों को मिलाते हैं, तो देखिए एक लाइन इस तरीके से बनी, ग्रीन लाइन बनी ना, यहाँ पे देखो इन दो बिंदुओं को मिलाने पे ये वाली ग्रीन लाइन बनी। तो ये जितने भी लाइन है ये क्या है, किनारे हैं। अब फलक क्या होते हैं, तो ये जो सतह है बेटा, जो आयताकार सतह है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, फलक बोलते थे, ठीक। यहाँ पे घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती थी, लेकिन सॉरी, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती थी, लेकिन घन में अगर हम बात करेंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर होती थी। बताइए, इतना हम लोग रिवाइज करके आ चुके थे बेटा, सारे बच्चों को इतना समझ में आया, सारे बच्चों को इतना क्लियर है? गुड, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आ चुका है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, इसको हल करने का प्रयास करिए, इसको हल करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बेटा बंद कर दिया है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। सर कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सर बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में बेटा, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दो आप लोग चैट बॉक्स में, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे चैट बॉक्स में। ओके बच्चों, ठीक है।
चलो अब इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, ठीक है बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों की जो विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो आपस में क्या है, बराबर है, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह घन कहलाएगा। आप याद करिए इस प्रकार से एक आकृति हम लोग सीखे थे, आप इस आकृति को याद करिए। इस आकृति को जब याद करेंगे तो आप पाएंगे कि यह क्या है, एक घन है। क्या है बेटा, एक ये घन है। घन का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है या फिर इसकी जो ऊंचाई होती है, वो तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, वो तीनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इसका सही वाला पार्ट कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर ए। बताइए सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं क्लियर है तो एन लिखेंगे। गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉयड। ठीक है बच्चों, हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया गया था घनाभ के बारे में, ठीक है, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जो कि आपके कमरे के अनुसार है ना होती है, या फिर एक माचिस की डिब्बी ले लेंगे तो वो भी एक घनाभ ही कहलाएगी। ठीक, तो इसका आज हम लोग क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पिछले क्लासेस में देख लिया था कि घनाभ क्या होता है ना बच्चों, आज हम सीखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है। ओके, तो देखिए घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं बेटा, 6 फलक। आप इस चित्र में देख भी सकते हैं, इस चित्र में 6 फलक बनाए जा चुके हैं। ठीक है, आप इन सारे ही फलकों को देख सकते हैं। तो अगर इस घनाभ का आपको क्षेत्रफल निकालना है ना बेटा, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और जब प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आता है, 2 (L)(b) + (b)(h) + (h)(l), जहां पे l क्या है, तो l घनाभ की लंबाई है, b क्या है, तो घनाभ की चौड़ाई है, और h क्या है, तो घनाभ की ऊंचाई है बेटा, घनाभ की क्या है, ऊंचाई है। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है, क्या आपको ये जो फार्मूला क्लियर है, जो भी लिखा गया है फार्मूला? पर एक बार फिर से बताना। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, इनफैक्ट मैं इस चीज को एक्सप्लेन भी कराऊंगा कि इसका फार्मूला ये ऐसे आ कैसे रहा है। ठीक है बेटा, चलो समझते हैं कि आखिर ये फार्मूला ऐसे आ कैसे रहा है। तो देखिए आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए, ये जो पहला फलक है, देखो बेटा ये वाला, अगर इस पहले वाले का हम क्षेत्रफल निकाल लें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा जस्ट बराबर होगा किसके, तीसरे वाले क्षेत्रफल के। इसी प्रकार अगर हम दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालें तो ये किसके बराबर होगा, चौथे वाले के बराबर होगा। दूसरा वाला पीछे की तरफ है बेटा, ये देखो पीछे की तरफ, ये वाला है ना पीछे की तरफ, और चौथा वाला जस्ट एकदम आगे की तरफ, यानी हम लोगों की तरफ, ये वाला चौथा है ये। अब ऊपर देखो है पांचवा वाला, ठीक है देखो ये पांचवा, अब इसके नीचे कौन सा पड़ेगा, छठवां। यानी कि अगर हम पहले वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल लें तो पहले वाले फलक का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा किसके, तीसरे वाले फलक का। दूसरे वाले फलक का क्षेत्रफल बराबर होगा चौथे वाले फलक से, और पांचवे वाले फलक का क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा छठवें वाले फलक से। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताइए आप, वाई या एन लिख करके बताएंगे, इतना क्लियर है? चलो अब इसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है, इसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आप समझने का बस प्रयास करिएगा, सारे बच्चे समझने का बस प्रयास करेंगे कि आखिरी चीजें हो कैसे रही हैं।
तमन्ना लाख लाख क्या बेटा, मोदियों दूर कोई बच्चा माई कौन नहीं करेगा। देखो देखो। बेटा, मान लेते हैं ये पहला फलक है, ठीक है, पहला फलक है ये। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलो मान लेते हैं ये है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई और ये है इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब समझना बेटा। तो अगर ये इसकी लंबाई है तो ये वाली भी तो इसकी लंबाई ही होगी बेटा, ध्यान से देखो लंबाई। और अगर यह एच है तो ये भी इसकी एच ही होगी। इस प्रकार से बताओ इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है? सारे बच्चों को इतना क्लियर है? तो अब यस क्या बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखना। पहले वाले फलक का, पहले वाले सर। फलक का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एल गुना एच, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो एच गुना एल लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एच गुना एल लिख लो, पहले भाग का ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर पहले फलक का क्षेत्रफल है तो दूसरे फलक, सॉरी जा इस ये तीसरे वाले का बड़े क्षेत्रफल बड़े क्या होगा? बड़े नाखून भरी है। अच्छा जया चहल के नाम से जो भी है, माइक मत ऑन करो बेटा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर नहीं करूंगा। बे चलो, पहले का क्षेत्रफल आप लोगों ने देखा कि एच गुणे एल होगा, ठीक। अब एकदम यही वाला क्षेत्रफल होगा किसका? तीसरे का। तो तीसरे फलक का यही सेम क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा, ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर? ओके, अब देखना। अब निकाल लेते हैं इस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो मान लेते हैं हम इसका नाम है सिक्स या फिर फोर, फोर चलो मान लेते हैं, और इसके जस्ट नीचे वाले का नाम मान लेते हैं सिक्स, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हमने मान लिया। जब इसको आप मानोगे, ठीक है बेटा, तो क्या होगा देखना। ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, और ये जो दूरी है, ठीक है बेटा, ये कितना होगा? एल होगा, ठीक है, ठीक है। देखना, चौथे का क्षेत्रफल, चौथे का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एल गुना बी। और ये चौथे का क्षेत्रफल एकदम बराबर होगा किसके? छठवें वाले के क्षेत्रफल से। अब बस बच गया है बेटा पांचवा वाला, जो कि पीछे की तरफ हम मान लेते हैं, और उसके जस्ट सामने, ठीक है, जस्ट सामने, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं तीसरा, एक दो, हाँ दूसरा मान लेते हैं। तो पांचवे वाले का क्षेत्रफल, पांचवे का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? जो पीछे की तरफ है बेटा, देखो जो पीछे की तरफ है उसकी लंबाई कितनी है? एल है, ठीक है बेटा, उसकी लंबाई कितनी है? एल है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो एच है। तो क्या लिखेंगे इसको? बी गुना एच, क्योंकि ये बी गुना एच होगा, ठीक है बेटा। आपको ये चीजें क्लियर हो गई? यस गुड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर कर देंगे किसके क्षेत्रफल से? दूसरे वाले फलक के क्षेत्रफल से, क्योंकि आमने सामने के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। वो भी क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल छह फलक है बेटा, टोटल फलकों की संख्या कितनी है? छह है। चलिए जोड़ना स्टार्ट करिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, देखना बेटा, एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना। क्यों? क्योंकि ये हमें छओ का निकालना है, अभी तो सिर्फ तीन का मैंने लिखा, तो फिर लिखेंगे एल गुना बी प्लस बी गुना एच
प्लस एच गुना एल। अब सारे बच्चे ध्यान से देखिए, देखिए ये भी है एल गुना बी और ये भी है एल गुना बी, यानी कि दो एल गुना बी। फिर देखिए बी गुना एच यहां भी है, बी गुना एच यहां भी है, यानी कि दो बी गुना एच। फिर देखिए बेटा एच गुना एल यहां भी है, एच गुना एल यहां भी है, तो दो एच गुना एल, दो यहां भी, दो यहां भी और दो यहां भी, कॉमन ले लीजिए दो, तो आपका फार्मूला बनेगा दो ब्रैकेट में एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। यही आपका सूत्र है, यही आपका फार्मूला है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा। जब भी आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, जल्दी से इसको नोट करिए। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, गुड। अरे कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, क्लास के बाद सारे बच्चे रुकेंगे, कोई बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा। एक बार फिर से समझाना यही। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो हुआ क्या है, ठीक है, ऐसे समझो बस। देखो यहां पे हुआ क्या है, पहले वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये एकदम बराबर होगा इस वाले भाग के। देखो तुम ध्यान से बेटा, अगर तुमने इस पहले वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला, यानी ये पहले वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो ये तीसरे वाले के बराबर होगा या नहीं होगा, तुम खुद बताओ, जिसने भी पूछा है, जोगिंदर नाथ ने पूछा है। जोगिंदर बेटा माइक मत ऑन करो, माइक मत ऑन करो, कुछ भी बोलना है आप लोग कहां बोलिए, चैट बॉक्स में। फिर पांचवे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह किसके बराबर होगा, छठे वाले भाग के बराबर। ठीक, यानी कि पांचवे वाले भाग का जो ही हम लोग तो क्षेत्रफल निकालेंगे, बराबर कर देंगे किस भाग के, छठे वाले भाग के क्षेत्रफल के बराबर। और दूसरे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, दूसरे वाले भाग का जो कि पीछे की तरफ है बेटा, देखो पीछे की तरफ, तो उसको बराबर कर देंगे किसके, चौथे वाले भाग के क्षेत्रफल, यानी जो कि हम लोग के सामने है। यही सेम काम मैंने किया है, हमने एक भाग का क्षेत्रफल निकाला, उसको दो बार हमने जोड़ा है, क्यों, क्योंकि एक साथ हम लोगों को दो दो लोगों का क्षेत्रफल निकालना है। इसी प्रकार बी गुना एच यहाँ भी है, बी गुना एच यहाँ भी है, एच गुना एल यहाँ भी है, एच गुना एल यहाँ भी है। जब हर एक चीज दो दो बार है तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे तो देखो दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, कॉमन ले लो बेटा दो। जब दो कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, आपका सूत्र बनेगा एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। अब बताओ क्लियर हुआ, जिसको भी डाउट था चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। गुड, ठीक है बेटा, चलो देखो अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा उस चीज को भी देख लो। सर एक बार वो ही स्क्रीन फिर से दिखाना। ठीक है, देखो यही चीज थी, जिसको दोबारा से देखना था वो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही चीज है, इस चीज का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, जिसको भी दोबारा से नोट करना था, एकदम डिट्टो यही फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे हम लोग बेटा, देखो ये जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हमेशा हम लोग वर्ग इकाई में निकालते हैं। वर्ग इकाई का क्या मतलब होता है, इसका क्षेत्रफल या तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर मीटर स्क्वायर में, या फिर किलोमीटर स्क्वायर में। कभी भी क्षेत्रफल को हम लोग सेंटीमीटर में या फिर मीटर में या फिर किलोमीटर में नहीं निकालेंगे बेटा। क्या सारे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आप हमेशा उसको किसमें निकालेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, या फिर मीटर स्क्वायर में। कहने का मतलब है कि आप हमेशा वर्ग इकाई मात्रक को यूज करेंगे, हमेशा।
हमेशा से वर्ग इकाई मात्रक। गुड, बहुत ही बढ़िया। अब समझते हैं बेटा हम लोग घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व क्या होता है देखना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अभी को आपने देखा था कि जब हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऊपर वाले भाग का फलक जो भी है, ये फलक, इसका भी क्षेत्रफल हम लोग जोड़ रहे थे और नीचे वाले का भी जोड़ रहे थे। लेकिन अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों ही भागों का क्षेत्रफल आपको हटा देना है, यानी कि पांचवे वाले फलक का क्षेत्रफल और छठे वाले फलक का क्षेत्रफल आपको हटा देना है। बाकी की जो चार फलक बच रहे हैं बेटा, जो चार फलक बच रहे हैं, उनका क्षेत्रफल आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो उन चारों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो आपने क्या सीखा, तो आपने ये सीखा कि जब भी हम किसी घनाभ के, है ना, ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल और नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल हटा करके बाकी की जो चार फलक हैं उनके क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं, तो जो फलक का क्षेत्रफल मिलता है चारों का, उसको बोलते हैं क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सारे बच्चे बताएंगे क्या कोई चीज क्लियर हो गई। कोई अगर पूछे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो आप बता पाएंगे, तो आपको बस इतना बताना है कि घनाभ के ऊपर और नीचे के फलकों को हटा दीजिए, बाकी जो चार फलक बच रहे हैं उनके क्षेत्रफलों को जोड़ दीजिए। जो ही ये चारों फलकों को आप जोड़ेंगे क्षेत्रफल के रूप में, तो आपको क्या मिल जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, मान लेते हैं कि एक घनाभ है जिसका लंबाई एल है, उसकी चौड़ाई बी है और उसकी ऊंचाई एच है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र आता है वो आता है एल गुना बी, सॉरी, टू एल प्लस बी गुना एच। ठीक है बेटा, ये होता है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। इस वाले सूत्र को आप ध्यान से याद कर लीजिए, क्या है ये सूत्र देख लीजिए, दो ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे हम लोग प्रश्नों को करेंगे। अभी देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपसे बने। सारे बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया, वाई एन बताइए, वाई एन बताइए। यस सर। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नसीब के नाम से जो बच्चा है, अदरवाइज क्लास से बाहर किया जाएगा तुरंत। चलो बेटा, राकेश कुमार से जो है क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, अदरवाइज क्लास से तुरंत बाहर किया जाएगा, माइक नहीं ऑन करना है। देखिए बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सीखेंगे, है ना, क्योंकि अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो कोई बेटा पढ़ नहीं पाएगा। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, तो सीख करके जाएंगे, है कि नहीं। देखिए, यहां पे मैंने एक घनाभ बनाया, सारे बच्चे इस चीज को सीखेंगे। मान लेते मैंने यहां पे एक घनाभ बना दिया और इसकी लंबाई दी थी 10 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दे दी बेटा हमने 5 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमने दे दी मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है बेटा, आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र मैंने क्या सिखाया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए? तो 2 ब्रैकेट में एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। दिए गए मानों को आप रख दीजिए। बताइए बेटा, लंबाई का मान कितना है? तुम देखोगे यहाँ पे चित्र में, लंबाई का मान 10 है। चौड़ाई का मान कितना है बेटा? 5 है। और ऊंचाई का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। सारे मानों को रख दीजिए। चलिए, 10 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 10। अब इसको हल करिए। 10 पचे 50, 5 दुनी 10, 10 दुनी 20। 50 10 60, 60 20 80 होता है बेटा। यहाँ पे 80 लिख देंगे हम लोग। और 80 का 2 टाइम्स कितना होता है? 160। चूंकि यह जो लेंथ थी वो सेंटीमीटर में थी, इसीलिए जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बच्चों, आपको ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, ठीक है। सर। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, इस वाले प्रश्न को हल करिए आप लोग। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सारे बच्चे इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आराम से आप 2 3 मिनट का समय ले लीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। 2 3 मिनट का समय ले लीजिए, इसको अच्छे से हल करिए, तब इसका उत्तर करिए आपने। और बच्चों, आज की क्लास खत्म होने के बाद कोई बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा नहीं, ठीक है? कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में, बेटा इसका उत्तर करिए। आपको वही फार्मूला लगाना जो कि मैंने अभी को सिखाया है। क्यों? क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप फार्मूला वही लगाएंगे। आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, दिए गए मानों को रखिए और उसका उत्तर बताइए।
चलिए बाकी बच्चे जो हैं वो उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे जिन बच्चों का उत्तर आ चुका है। गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रहा हूं कि जिन बच्चों ने उत्तर किया है बिल्कुल सही उत्तर किया है, ठीक है। चलो बेटा चलिए इस प्रश्न का हम लोग हल देखते हैं। क्या लिखा गया इस प्रश्न में? लिखा है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस वाले में आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए क्या क्या दिया है। तो बेटा लंबाई दे रखी है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसीलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था, सवाल में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, ठीक है बेटा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? मैंने सूत्र सिखाया था, दो ब्रैकेट में एल गुड़े बी प्लस बी गुड़े एच प्लस एच गुड़े एल, इसी वाले सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। दिए गए मानों को रख दीजिए, जो भी मान आपको मालूम है बेटा उस मान को रख दीजिए इसे। अब हल करेंगे, 15 का गुणा 10 में कराएंगे तो 150 आता है, 20 का गुणा 10 में कराएंगे तो 200 आता है, फिर 20 का गुणा 15 में कराएंगे तो 300 आता है। अब इसको जोड़ दीजिए, 200 300 ठीक है और 150 जोड़ दीजिए, कितना आता है? 650। 650 का दुगना कर दीजिए, 1300 आता है, ठीक। क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, जो भी लंबाई था बेटा, इसलिए क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई क्या? सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, तो जल्दी से इसका, हाँ इसका इस जो सॉल्यूशन है वो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही क्वेश्चन का आंसर दिखाइयो। क्वेश्चन जी क्वेश्चन बेटा आपकी आवाज समझ में नहीं आई, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हो जी आप? इस क्वेश्चन दिखाइयो, इसका क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिखाऊं, ओके ओके ठीक है। बाकी बच्चे इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, ठीक है, आपने देखा भी इसका विकल्प नंबर ए सही उत्तर है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन, हाँ इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। और ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले वाले प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया लेकिन मैंने पोल सेक्शन बेटा मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है, अच्छे से पहले इसको सॉल्व करिए तब जाके इसका उत्तर करिएगा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में बेटा, पहले इस प्रश्न को हल करिए अपनी कॉपी में फिर इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा।
कर दिया सर। ठीक है, चलो जिन बच्चों ने इसका उत्तर निकाल लिया है अब वे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सर एक मिनट रुकना। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, अगर आपको उत्तर आता है तो पोल सेक्शन में दीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इसका हल देखते हैं हम लोग। ओके, सवाल में आपसे बोल रखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। यहां पे आपसे ऊंचाई पूछा है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो बेटा इसको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इस प्रश्न को देखेंगे। यहां आपको प्रश्न में दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, ये प्रश्न में दे रखा है कितना है, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी को मैंने आपको सिखाया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। ठीक है, यानी ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है और ये बराबर है 94 के। तो दिए गए मानों को आप रख दीजिए, मान कौन कौन से हैं देखो बेटा, घनाभ की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो बस दिए गए मानों को रख दीजिए। देखो ऊंचाई नहीं दे रखा है क्योंकि ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी है। देखो बेटा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो चलो हम मान लेते हैं कि ऊंचाई h है, इसलिए h की जगह पे हम लोग कुछ नहीं रखे हुए हैं। l का मान रख दीजिए जो कि है 5। अब इसको हल करने का प्रयास करिए, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आता है, 20। ये हो जाएगा आपका 4h प्लस 5h इज इक्वल्स टू 94। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4h और 5h को जोड़कर 9h, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आता है, 40 आता है, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो कितना आता है, 18 आता है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 18h बराबर 94 माइनस 40, दोनों को घटा आइना दीजिए, तो जब दोनों को घटाओगे आप तो कितना आएगा, 54। इसलिए h बराबर क्या होगा, तो 54/18 यानी कि h बराबर 3 सेंटीमीटर। यानी कि सही विकल्प कौन सा है, तो विकल्प नंबर बी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। सर ये जो सब ये जहां पर आप पहले समझा रहे थे, सबसे नीचे वाली लाइन से जो ऊपर वाली लाइन है उसमें 2 × 20 + 9h = 94 है, हाँ वहां पे आपने 20 और 2 का मल्टीप्लाई किया, हाँ बिल्कुल, फिर 9 और 2 का किया, सर ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करा ना। आप यहाँ ऐसे समझो बेटा, मैंने इस वाले ब्रैकेट को ओपन किया, इस वाले ब्रैकेट को, जब आप इस वाले ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये मल्टीप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, ये बट जाता है। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2 का मल्टीप्लाई हमें 20 में भी करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई हमें 9 में भी करना पड़ेगा। जब आप 2 का मल्टीप्लाई 20 में कराओगे तो 40 आ जाएगा, और जब 2 का मल्टीप्लाई 9 में कराओगे तो 18 आ जाएगा। आया आपको समझ में? यस सर।
ओके गुड। सारे बच्चे अब चैट बॉक्स में लिख करके बताइए क्या आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर है। अगर हाँ तो वाई लिखेंगे और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, गुड। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, इसको हल करने का प्रयास करिए और सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। आपके पास पूरे 2 से लेकर के 3 मिनट का समय है बेटा। इस क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा है कैसे करेंगे, नहीं, बस आप दिए गए चीजों को देखिए कि क्या क्या दिया है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी चीजें दे रखी हैं उसका उपयोग करके दिए गए सूत्र को यूज करिए जो कि मैंने आपको सिखाया था। बाकी बच्चे भी उत्तर करिए। इस क्वेश्चन को हल करिए और इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में बेटा। अभी आपके पास पूरे 1 मिनट का समय बचा हुआ है। चलो बच्चों अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। अगर आपने इसका उत्तर निकाल लिया है तो आप चैट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसका हम लोग हल देखते हैं, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे क्या बोला गया है। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है ना। देखो घर में एक पौधा घर बनाया गया है, ठीक है। इस पौधे घर में पौधों को उगाया जाएगा। अब बोला ये जा रहा है कि शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है, यानी ये जो पौधा घर है वो शीशों की पट्टियों से बना है और इनके जो भी ज्वाइंट्स हैं वो टेप से बना करके रोके गए हैं, है ना। अच्छा तो फिर क्या बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो आपको बताना है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसका जल्दी से हम लोग हल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है, तो क्या क्या दिया है बेटा। देखो लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। देखो बेटा प्रश्न ये है, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसका हल बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलो इसका सॉल्यूशन देखो, लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
कैसे निकालेंगे? दो ब्रैकेट में एल गुणा बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। इस वाले सूत्र का प्रयोग करिए, दिए गए मानों को रख दीजिए, 30 गुणे बी का मान 25 है प्लस बी का मान 25 गुणे एच का मान 25 प्लस एच का मान फिर से रख दीजिए और एल का मान 30 है। अब इसको सॉल्व करिए, 30 का गुणा 25 में कराएंगे कितना आता है बेटा 750, 25 गुणे 25 यानी कि 625 प्लस 25 गुणे 30 कितना होता है 750। अब इन तीनों ही क्वांटिटीज को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे जोड़ दीजिए, देखिए इसका हल कितना आता है, तो 5 ये हो जाएगा 2, ठीक है, 714, 26, 20 और 1 21। अब इसका 2 टाइम्स कर देंगे हम लोग, ठीक है बेटा, एक सेकेंड, देखो 5 2 10 0, ठीक है, 2 2 4 15, ठीक है, 2 1 2 और 2 2 4। इसको मैं इरेजी कर देता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है बेटा, तो आपका उत्तर आएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और अब, ठीक है, अब आपको कुछ बातें बताई जाएंगी, उनको ध्यान से सुनिएगा सर। क्वेश्चन दिखाना है पर, ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।